नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको आपका जो 8 बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का, उसके यहाँ पे हिंदी के मर्डर पेपर बताने वाला हूँ, यानी कि हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो में आपको टोटल कितने प्रश्न बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बताने वाला हूँ उनमें से आपके 15 से 16 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 2020 में होने वाला है और उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो पूरे डिटेल से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। और जो प्रश्न है वो आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, देखिए मॉडल पेपर क्लास 8 हिंदी, ठीक है, हिंदी का पेपर है। तो हिंदी के पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, उस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 27 और प्रिंटेड 4 प्रश्न पेपर है, ठीक है। और जो पेपर आपका घंटे का है, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और 80 नंबर का पेपर आपका है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश के हैं, दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, आपको सही उत्तर का चयन करना है। शक्ति और समा जो कवि के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो अलग अलग प्रश्न है वो देख सकते हैं। देखिए, संत कंवरराम का जीवन है वो समर्पित था किसके, तो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और मिसाइल मैन की जो मृत्यु कब हुई, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए, दूध दही जो किसको कहते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मूर्ख लोग हीरे का उपयोग कैसे करते हैं, तो सब प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। 6 सवाल है आपके, एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है। 7 प्रश्न आपका 2 नंबर का है, आपको परिभाषा बताना है, परिभाषा पर प्रश्न बताना है। और जो ये देखिए, ये प्रश्न है आपके लिए भाव को स्पष्ट करना, अदर सुधा रस मुरली राजती बैजंती माँ, ये 2 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भावों को स्पष्ट करना आपको, देखिए मीरा ने संसार को पार करने का क्या उपाय बताया, ठीक है। फिर जो देखिए स्वर्ण अर्पित, ये आपको क्या करना, आशय स्पष्ट करना, इसका आशय क्या है, यानी इसका अर्थ क्या, मीनिंग क्या है। ये देखिए, कवि गिरधर ने दौलत के अभिमान को छोड़कर क्या करने की सलाह दी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये 2 नंबर का पेपर आता है। इसमें आपको अर्थ लिखना, उर्दू शब्द में लिखना है अर्थ, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न विलोम शब्द में लिखिएगा, प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल, ऐसे आपको विलोम शब्द देखा, जैसे धर्म हो गया अधर्म, ठीक है। तो ये प्रश्न हो जाएगा। अभी जो मुहावरा है, मुहावरा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अब बताना है सकर्म क्रिया है या अकर्म क्रिया। फिर 18 प्रश्न है, फिर निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह करना है, ठीक है। अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में यान, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, लोकमान्य तिलक का जो बलिदान है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18 प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आज़ादी का ऐसा सूरज उजियारा जिसका चुका है, इस पंक्ति में महादेव से कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है। फिर मृत्युभूज सामाजिक, ये देखिए 4 नंबर का है, मृत्युभूज सामाजिक कुरूति है, हमारे समाज में ऐसी अनेक कुरूतियाँ हैं, उनमें से किन्हीं 4 की सूची बनाकर प्रकट करना है। अगर आपका किसी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स क्वेश्चन में डाउट है, तो जाइए 8400 400 400 नंबर पर, उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर क्रॉप करके सेंड कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही वीडियो सॉल्यूशन से मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप मैथमेटिक्स सभी की यहाँ तैयारी आराम से कर सकते हैं, और इस ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जई मैथ की आराम से कर सकते हैं। अगर आप 11th 12th में हो तो भी आप आराम से कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अभी जाइए और अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। फिर जो यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्रश्न पत्र में जो 20 प्रश्न है वो मृत्युभूज वाला है। और अगला प्रश्न है 21वां खंड आपको सम्मिलित करना है, सब हथियारन छोड़ यहाँ पे आपके मिलान करना है, कौन सा क्या मिलान, ठीक है। 4 नंबर का है, संत कंवरराम के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आ जाता है। और लेखक ने अपने इस व्यंग्य को लिखा जो ही क्यों रखा है, इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए, जो व्याख्या आती है, सप्रसंग व्याख्या करनी आती है आपकी, सप्रसंग व्याख्या 6 नंबर का आता है, कितना था, 6 नंबर का सवाल आता है। अब जो सप्रसंग व्याख्या, ये कौन से पाठ है, देखिएगा ये जो महाराणा प्रताप वाला पाठ है, माँ तुम्हारा ऋण, सॉरी ये पहला पाठ है, ठीक है, ऋण मैं क्यों अकिंचन, तो पहला पाठ है, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लेना। और ये द्वारिका जाऊ, ये 4th पाठ है शायद, वो श्री कृष्ण और उनका वाला, ठीक है,
सुदमा वाला, ठीक है, सुदमा चरित वाला। और जो 2500 पाठ है, ये 2500 क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं गद्यांश है, गद्यांश में आपको प्रश्न देखने, जो पैसेज से पैसेज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, इन प्रश्न आपसे आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र से इंपोर्टेंट प्रश्न बता दिए इस वीडियो में। तो और भी अगर आप इंपोर्टेंट प्रश्न है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जरूरत पर आपको सब्सक्राइब मिल जाए। तो आज की डेट इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब जय वंदे मातरम।